मेरे कहने का मतलब बड़ा मैं तब बनता ना जब दुनिया बोलती। अब 4 बजे करके पैदा पहले बनी हुए हमारे कहा था कि हम मोहम्मद रफी है और रोज हमारे संग घुमा था सर। अब वादन सर कि ना ना भाई तारा इस सब के धरती पर पहले नहीं था भाई, तू डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया। बोलते हैं सामने आकर खड़िया हो, यानी कि ऐसा ना कंपटीटर पहुंच सके। हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना, कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं। खेसारी लाल अपने गाना के लॉन्चिंग पर पवन सिंह को जवाब देते हैं। पवन सिंह जो बोलते हैं कि मिलकर बात करो, मिलकर सामने बैठकर बात करो, इस सारे मुद्दों को लेकर खेसारी लाल चर्चा किए अपने गाना लॉन्चिंग पर। बहुत ही अच्छा गाना है हद कद राजा जी। ये गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज होता है और काफ़ी अच्छा व्यू अभी तक उठा चुका है, 1 मिलियन के क्रॉस हो चुका है। आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गाना लॉन्चिंग पर एक से एक पवन सिंह के बारे में कमेंट करते हैं कि ये है वो है, मोहम्मद रफ़ी बन चुके हैं, ऐसे हैं बहुत सारे। और साथ में मोहम्मद रफ़ी घूम रहे हैं, बन रहे हैं, तो हमारे साथ घूमा तरह ऐसे बोल रहे हैं खेसारी लाल। आइए क्या कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे बात बोले हैं, वीडियो में आप जरूर आप देखिए। एक सवाल है कि लकीर का नाम सुनते ही खेसारी लाल यादव का मूड हो जाता है, और लकीर के बारे में यानी कि आप हमेशा गर्म नजर से मिला जाते हैं लकीर के मामले। लकीर मेरे कहने का मतलब ये देखिए, हमसे सीनियर लोग हैं भाई, हमारी शारदा सिन्हा जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर कलाकार हैं जिन्होंने जिनके रास्ते पे हम चलते हैं। हमारे पास तो घर बनाने की औकात नहीं है और हम बोलते हैं कि संसद भवन बना देंगे। पहले हम भोजपुरी को बड़ा कर दे, उसके बाद दुनिया में जो खींचना हो खींच देंगे। पहले अपने भाषा को कम से कम कहीं ले जाकर बैठा दे, भाषा को गरिमा पे बैठा दे, भाषा को बड़े लेवल पे ले जाए। कहो कि घर में मैं नौकर भी रहा हूँ यार, मैं अपनी औकात को जानता हूँ। मेरी औकात यह है कि मैं कलाकार हूँ और आप सबका भाई हूँ और इसमें मैं खुश हूँ। मैं कोई लकीर नहीं खींचता है, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब बड़ा मैं तब बनता ना जब दुनिया बोलती। अब 4 बजे करके पैदा पहले बनी हुए हमारे कहा था कि हम मोहम्मद रफी है और रोज हमारे संग घुमा था सर। अब वादन सर कि ना ना भाई तारा इस सब धरती पर पहले नहीं था भाई, तू डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया। एक बार विषय है ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब आप करो अपनी तारीफ कराओ करो, बट उसमें किसी का नाम जोड़ कर कराओगे तो प्रॉब्लम तो किसी को होगी। अब हम अपना घर पकड़िया होता नहीं कि फाड़ दे चीर दे, क्योंकि कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फलानवा तरह का फाड़ दे तब तो फलानवा को फाड़ो तो फलानवा बैठल थोड़ी बा, वो तो फाड़े खाते वो फाड़े खाते तो एगो हथियार लेके निकल बा। इससे वो होता है जहाँ किसी को मैं किसी को मना नहीं करता। और जहाँ तक बोलने की सवाल है भाई, हमारा से ज्यादा भोजपुरी में गेहूँ बोलेगा क्योंकि हमको बोलने आता है। हम पढ़े नहीं है, लड़े हैं समय से, हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं, फ्लाइट से नहीं गए। तब हमें पता है कि मार्केट में कितनी दुकान है, तब हमें पता है कि किस बाजार में क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपने जीवन को लेकर जाया जाता है। पवन सिंह कुछ दिन पहले इवेंट के पहले बोलते हैं कि भाई जिसको खरियाना है वो हमसे सामने आकर खरिया हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना, कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं। भाई है वो, उनका कहना जायज है और उनको बुलाना पड़ेगा, उनके बुलाने पे भेजाऊंगा। नहीं वो मेरे बड़े भाई हैं, वो नहीं भी बुलाएंगे उसके बावजूद भी उनसे मिलने जाऊंगा, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। आज भी है, कल भी है, परसों भी है, धरती जब तक रहेगी के सारी इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मेरे लिए सम्मानित थे, हैं और रहेंगे। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। अब बताइए हमारे बेटा आगे उनके गोरिया या बापे को हटा कि ना एक नंबर काम बा, तो भोगे के बापे बेटा तो बोल के निकल जाएगी, लेकिन इलाज है बाप जी। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं। वो मेरे बड़े भाई थे हैं और कमाल के सिंगर है। पता नहीं सुनो बात नहीं थे खेसारी लाल 8 साल पहले गा दे बस ठीक। आज एक पत्थर बजू जामे ला तो ढोल और बजवावे ला कि ना बजवा, मान के चलो 20 साल पर लड़का हो तो ढोल ना बजवाई।
सब लोग अच्छा बात है कि भोजपुरी भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाए मराठी में जाए, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है, हमारा भला होता है अगर हम दूसरे स्टेट में काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग। बाबू आई एम नो जर्नेटर, हमारा लगे कौनो पावर नहीं खे, तहरा लोग के देह आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद से हम सब हमारा पावर सत्य वो हमारे गोलफ नजर पड़े ला कहे के बात हो, इसका मुहावरा मत लगो, गंदा मुहावरा बा, आज से पावर मत बोलियो हमारे बारे में। कैसा लगा वीडियो अब जरूर कमेंट करके बताइएगा, तब तक के लिए देखते रहिए आरबीएन हिंदुस्तान सोनू कुमार के साथ।